हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है चिली चिकन, जो कि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिली चिकन का रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, मैंने यहाँ पर 150 ग्राम जैसा चिकन लिया है। तो इसके ऊपर मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट अभी एक चम्मच डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ काली मिर्च को पाउडर किया है, और एक चम्मच विनेगर डालती हूँ, और एक चम्मच सोया सॉस डालती हूँ, और थोड़ा सा नमक डालते हैं इसके ऊपर, और एक अंडा डालती हूँ, और इसे अच्छी तरह से हमें चिकन को मैरिनेट करना है। और यहाँ पर अभी मैं दे रही हूँ 2 चम्मच मैदा दे रही हूँ, और 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर दिया है, और इसे हमें अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, और इसको हम 30 मिनट तक कवर करके रखना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, यहाँ पर अभी हम जो मैरिनेट किए थे जो चिकन, अभी इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसे मैं एक दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन को गरम कर लिया है, और उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच तेल लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है चॉप गार्लिक लिया है, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली लिया है, और मैंने कैप्सिकम लिया है, और कटा हुआ प्याज लिया है। तो सबसे पहले हमें तेल में लहसुन को डालना है, और उसके बाद प्याज को डालना है, फिर ग्रीन चिली को डालना है। आप जब भी लहसुन डालेंगे, आप यही देखेंगे कि जैसे लहसुन का कलर ब्राउन ना आए। और फिर अभी हम कैप्सिकम को डालते हैं, और इसे अच्छी तरह से अभी फ्राई कर लेते हैं। इसे जब भी हम फ्राई करेंगे, इसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो अभी इसमें मैं 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, और 1 चम्मच अभी विनेगर डाल रही हूँ, और 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेते हैं। और अभी मैं कॉर्नफ्लोर का एक बैटर बनाया है थोड़ा पानी दे के, क्योंकि ग्रेवी मुझे बनाना है, इसका थिक ग्रेवी बनाना है, तो इसीलिए अभी मैं कॉर्नफ्लोर का जो बैटर बनाई थी इसे डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं, और इसे 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाते हैं, इसका कुकिंग करते हैं। और 2 मिनट के बाद जो फ्राई किया था चिकन, अभी इसके ऊपर हम चिकन डालते हैं, और इसको अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिला लेते हैं। बस 1-2 मिनट तक इसे हमें कुकिंग करना है। तो देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है, लग रहा है ना जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा चिली चिकन। और ये लगभग अभी हो गया है, और अभी मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। पर अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन है तो आप इसके ऊपर डाल भी सकते हैं। स्प्रिंग ओनियन डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।